तो हे गाइस, आज मेरे पास में दो फिटिंग है, आप देख रहे होंगे। एक फ्लोरोसेंट का लाइट है और एक मेरे पास में एलईडी का है। ये एलईडी का नहीं था, ये भी फ्लोरोसेंट का ही था। मैंने इसको सिर्फ चेंज किया है, एलईडी में मैंने कन्वर्ट कर दिया है ना, तब्दील कर दिया है मैंने इसको। तो आप भी अगर इसको चाहते हैं कि इसको जो कि आपके घरों में नॉर्मल लाइट जो लगा हुआ है, जैसे कि स्टार्टर और जो कि आपके चौक के साथ में, तो इसको आप इस झंझट से अगर आप बचना चाहते हैं, तो आपको आपके लिए वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप पूरा एंड तक देखेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा किस तरीके से जो है कि और क्यों इसको चेंज कर देना चाहिए आपको, है ना, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो। तो उसके लिए कुछ आपको टूल्स वगैरह लगेंगे, जो कि एक दो इंसुलेशन मैंने टेप लिया हुआ है, जो कि आपको कलर कोडिंग करने के लिए इजीली हो जाएगा। एक माइनस का स्क्रू ड्राइवर, एक स्टार का है, और एक मेरे पास प्लस है और एक टेस्टर है। इतना में आपका काम हो जाने वाला है, ठीक है। तो अब मैं जो है कि अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, और अच्छा लगेगा तो दोस्तों के साथ में भी आप शेयर कीजिएगा। तो आइए फिर देरी ना करके हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं बताने वाला हूं कि आपको इसके अंदर में जो है कि क्या क्या जो है कि इसकी खूबियां है एलईडी की, और क्या क्या जो है कि इसकी जो है कि थोड़ी सी जो है कि मुझे बैड लॉक लगता है इसके बारे में, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। पहला तो ये जो है एलईडी आपको 25 वाट की है, और ये जो है फ्लोरोसेंट की ये 36 वाट की है, ठीक है ना। उसके बाद से इसके अंदर में चौक नहीं लगता है, और स्टार्टर भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि इसके अंदर में दो खर्च आपके बढ़ जाते हैं, एक स्टार्टर के और एक चौक के खर्च आपको बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब ये आते हैं कॉस्टली के ऊपर में, ठीक है, जो कि कॉस्ट के ऊपर में मैं आपको बता दूं कि आपको ये 10% ज़्यादा आपको पड़ने वाले हैं और ये 10% कम पड़ने वाले। यानी एग्जांपल अगर आप, डिपेंड करता है कौन से कंपनी के आप जो है कि आप ले रहे हैं लाइट, है ना, एलईडी लाइट ले रहे हैं, तो ये अगर आप नॉर्मल वाला लेते हैं तो 100 में मिलेगा, तो 110 में या 120 में, इतना ही क्या फ़र्क है, और इससे ज़्यादा नहीं है। तो आप ये भी तो देखिए ना कि आपका स्टार्टर भी और आपका चौक का भी, और ऊपर से आपको ये 36 का है और ये 25 का, यानी कि एनर्जी भी सेविंग आपको करके दे रहा है, और लाइट के अंदर में आपको मैं रोशनी का बोलूं इसके अंदर में तो आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, दोनों का बराबर ही है, बल्कि मैं तो बोलूंगा कि एलईडी का थोड़ा ज़्यादा ही है, ठीक है, ये चीज़ है। तो आइए फिर जो है कि मैं इसका, अब इसके बारे में जो है कि मैंने बहुत इसको जो कि डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, तो अब मैं इसके बारे में बताता हूँ कि किस तरीके से जो है कि मैंने इसका कनेक्शन किया है, ठीक है। तो अब मैंने जो है कि इनके जो है कि ट्यूबलाइट मैंने बाहर कर दिए हैं दोनों के, ठीक है। अब मैंने एलईडी वाला किस तरीके से किया है, आप जो इस जो होल्डर है, ठीक है, ट्यूब का जो होल्डर है ना, तो आपके पास में दो वायर इसमें से निकले होंगे, ठीक है। उन दोनों वायरों को क्या कीजिए कि यहाँ पे चाहिए तो कट कर दीजिए, ठीक है, इन दोनों वायर को यहाँ पे कट करके, और इन्हीं वायरों से, आप दूसरा वायर आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी वायर में से एक वायर को फिर इन दोनों को जॉइंट, मतलब एक वायर ये और दो वायर ये, तीनों को जॉइंट करके आप क्या कीजिए कि न्यूट्रल पे लेके आइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने न्यूट्रल पे लगाया हुआ है, और फिर आपको क्या करना है, इनमें से जो दो वायर है, इन दोनों वायरों को जो है कि मैंने कट करके मैंने फिर यहाँ पर क्या किया है, मैंने तीन वायर बनाया हुआ है, ठीक है। एक तो ये वायर आ रहा है, थोड़ा सा लूपिंग होने के कारण आपको ज़्यादा दिख रहा होगा, तो ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे पास में यहाँ से दो वायर इस साइड से आए हैं और एक वायर मैंने इधर से दिया, तो टोटल यहाँ पे तीन वायर का जो है कि बन चुका है, और मैंने ये वायर ला के मैंने क्या किया, फेस में मैंने डाल दिया हूँ, ठीक है, ये फेस में मैंने डाल दिया है, ठीक है। जो कि इसके बाद से जो है कि आपको जो मैंने ट्यूबलाइट मैंने लगा के मैंने आपको ऑलरेडी मैंने दिखाया कि किस तरीके से जल रहा था, अब मैं जो है कि इसको मैं चेंज करके आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है कि मैंने करने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए फिर मैं इसको दिखाता हूँ आपको। तो अब मैं जो है कि पहले आपको करके मैं दिखाता हूँ कि फर्स्ट मैं क्या करने वाला हूँ कि इसको काट देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने कट कर दिया, ठीक है, और यहाँ से इसको भी कट करके निकाल देते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि आप ये चाहिए तो थोड़ा सा इसको जो है कि इसको है थोड़ा सा यहाँ पे ओपन कर लीजिए, और इस वायर को भी ओपन कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ओपन करने के बाद से आप यहाँ पे इसको इस तरीके से जॉइंट कर दीजिए, ठीक है। ये मैंने वायर को थोड़ा सा ऊपर से इंसुलेशन निकाल दिया, और ये अभी इस तरीके से हम इसको जोड़ देने वाले हैं, ठीक है, ठीके? देखिए मैंने अच्छे से इसको जोड़ दिया है। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, ब्लैक टेप मारने वाले हैं, एक कलर कोडिंग हो जाएगा हमारे पास में कि न्यूट्रल किस में है और फेस किस में है, ठीक है। तो ये मैंने रेडी कर दिया, अब मैं जो है कि यहाँ से ये दो वायर आप देख रहे हैं, तो मैं चौक को ये वायर मैंने कटिंग कर लिया, और
इस वायर को भी मैंने ऐसे ही करने वाला हूँ। थोड़ा सा इसको ओपन करेंगे, थोड़ा सा इस वायर को ओपन करेंगे और फिर मैंने इसको यहाँ पे ज्वाइन करने वाला हूँ। देखिए कितना अच्छे से ज्वाइंट हो गया, ठीक है। फिर अब हम इसको मारने वाले हैं रेड टेप, ठीक है। तो ये मैं रेड मार देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इस वायर को कट करके बाहर कर देते हैं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा वायर है। ठीक है, ये मैंने वायर निकाल दिया बाहर और इसको जो है कि थोड़ा सा ओपन कीजिए और इसको वापस यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, फिर अब हम चौक को बाहर निकाल लेते हैं। तो मैंने जो है चौक को बाहर कर दिया, ठीक है। यहाँ से चौक बाहर निकाल दिया, यहाँ से स्टार्टर, ठीक है। और फिर मैंने जो है कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पे मैंने एक वायर को कट करके दोनों एक वायर बनाया और यहाँ पे ब्लैक वाले के साथ में एक पावर लगा दिया, ठीक है। अभी मैंने इस वायर को यहाँ से दो जो वायर निकला हुआ था इसको मैंने यहाँ पे कट करके यहाँ ज्वाइन करके और मैंने फेस यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। तो अब हम इसको चालू करके देखने वाले हैं कि ये चालू होता है या नहीं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से एलईडी मैंने लगा दिया, ठीक है। तो अब मैं इसको चालू करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं मेरा चालू हो गया। थोड़ा सा आपका चाहिए तो आप इस साइड में कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है कि आप इसको वायरिंग कर सकते हैं, है ना। तो आपने देखा कि किस तरीके से अच्छे से हो गया है। तो आई होप कि ये वीडियो मेरा छोटा सा अच्छा लगा होगा। ये देखिए मैंने जो है कि आपको दो स्टार्टर, दो चौक मैंने ये बाहर निकाल के और मैंने ये रेडी कर दिया है। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, और दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। तो वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।